हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। दिस इज आर्या सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ मेजर टॉपिक ऑफ क्लास 8th एसएसटी एनसीईआरटी ज्योग्राफी। टॉपिक इज लैंड। तो लैंड इज अमोंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट इनहैबिटेबल। देखिए कि जो लैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जो 30% हमारे पूरे अर्थ के एरिया का कवर करता है। लेकिन ये भी जो 30% कवर करता है, ये सारे जगह, यानी 30% में जो सारे जगह हैं वो इनहैबिटेबल नहीं है, यानी सब में हैबिटेबल नहीं है, मतलब कुछ इनहैबिटेबल भी है। हैबिटेबल मतलब रहने की जगह, यानी सब रहने के कैपेबल नहीं है, कुछ कुछ ही। तो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो ये जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ये हुआ है ड्यू टू लैंड और क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स से। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरिया, ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डिजर्टिंग एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया और नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। कुछ ऐसे जगह है जो इनहैबिटेबल है, उसके एग्जाम्पल से ये याद रखने हैं। या तो कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे प्लेन्स और रिवर वैली के किनारे का जो जगह है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा देखिएगा तो वहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है पहला तो, इसलिए वहाँ पे जो वो एरिया है बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है। ओके ओके, अब हम देखेंगे लैंड यूज को। कोई भी चीज़ के बारे में जानने के बाद उसके यूज को जानना जरूरी है। तो लैंड यूज, तो लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। तो लैंड को यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड वगैरह बनाने के लिए और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपके एग्जाम में। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड यूज के तरह से हम इसे बोल सकते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंस वे इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसमें मम्बा और पीटर के फैमिली जो अपने लैंड को यूज किया करते थे, उसमें क्या डिफरेंस था उसके बारे में जानना है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो लैंड का यूज होता है वो डिटरमाइन किया जाता है उसके फिजिकल फैक्टर से, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल और वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन किस तरह से लैंड को यूज करेगा, ये टेक्नोलॉजी पे भी और ह्यूमन के फैक्टर्स पॉपुलेशन के हिसाब से भी वेरी करते हैं। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जैसे लैंड को हम ऑनरशिप के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें आता है हमारा प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या होता है, प्राइवेट मतलब होता है प्राइवेट स्कूल के बारे में जाने, और गवर्नमेंट स्कूल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। प्राइवेट में कुछ बच्चे ही पढ़ने जा सकते हैं जिनके पास पैसा होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ नहीं होती है। तो वैसे ही प्राइवेट लैंड जिसे आपने खरीदा है, आप उस पर घर बनाकर, आपका ही हक है बस, सोसाइटी का कोई हक नहीं है, उसे कहते हैं। लेकिन अगर उसी पे बात करें हम कम्युनिटी लैंड की, तो जो सरकारी ज़मीन हम जिसको बोलते हैं वो है हमारा कम्युनिटी लैंड। कंप्लीट, आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी और कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स। देखिए तो जो प्राइवेट लैंड है वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाएगा, किसी भी नाम, किसी का भी नाम हो, लड़का लड़की, इसमें कोई फर्क नहीं है। और कम्युनिटी का जो लैंड होता है वो कम्युनिटी ओन करता है, जिसमें वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट, नट्स, फोडर, भूस वगैरह। ओके, दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। ओके, तो ये जो कम्युनिटी लैंड है इसे हम कॉमन प्रॉपर्टी लैंड भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जो पीपल की डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन लैंड हमारे पास लिमिटेड है। तो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब आपको बता दें कि लैंड की जो क्वालिटी है वो जगह से जगह वेरी करती है। सारे जगह एक तरह की ही लैंड, अच्छी लैंड नहीं रह सकती है, इसलिए वेरी करती है।
People start encroaching the common land to build up commercial area, housing complex in the urban area and to expand the agriculture land in rural area. आजकल क्या हो रहा है, जो कम्युनिटी लैंड है हल्का फुल्का वहाँ पे भी लोग अपना बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं, कोई दुकान खोल कर बैठ जाता है, तो किस लिए, क्योंकि वो अपना काम करना चाहते हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की भी प्रॉब्लम होती है, यानी घर पे घर बनते चले जाते हैं, जगह नहीं बचता, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। चलिए, टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। तो आज जो वास्ट चेंज हो रहा है लैंड के यूज का पैटर्न में, वो हमारे सोसाइटी के कल्चर को भी इफेक्ट करता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंटल बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए क्या हो रहा है ना, आजकल डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन हो जाता है। सॉइल इरोजन, क्योंकि अगर हमें ज़मीन चाहिए तो कभी कभी हम फॉरेस्ट को भी क्लियर कर देते हैं, तो उसके वजह से जो वहाँ पे पेड़ उगाते हैं हम, वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, उसके वजह से लैंड भी डिग्रेड कर जाता है, पूरा घर ही कभी कभी धस जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए, अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या हो रहा है, आजकल जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना, उसकी डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, और लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे अपना घर बनाना है, और फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे अपना कोई भी बिजनेस खोला है या कुछ भी हमें इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट को तो क्लियर करना ही पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसका एक ही है कि हम एफॉरेस्टेशन करें, लैंड रिक्लेमिनेशन करें, रेगुलर चेक करें, यूज करें केमिकल, रेगुलेट करें यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओके, सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे कुछ मेथड हैं जिससे हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।